हाय नमस्कार, मेरा नाम राजेश टैगोर, मैं लाइफ लर्निंग डेवलपमेंट एनडीआरटी एजेंसी बोल के एक नया चीज आ रहा है और ये दिखाने में करीबन 15 से 20 मिनट लगता है। तो अभी आपको दिखाऊं, कल दिखाऊं, परसों दिखाऊं, मुझे आप करना है। अभी जो मेन मैनेजर था ना, अभी तो आए नहीं। आपको दिखा के चला जाऊंगा, मेरा काम है लोगों को दिखा के चले जाऊंगा। खड़े हो जाए तो आप दिखा देता शुरू करें। क्या नाम है आपका? इरशाद। इरशाद, अस्सलाम वालेकुम। राजेश टैगोर एनडीआरटी एजेंसी एलआईसी का है, जिसका इंफॉर्मेशन दे। इस एजेंसी में आपको 6 बेनिफिट मिलते हैं। शुरू करने से पहले बोल दो, एक तो कोका कोला की एजेंसी है, या ट्रॉफी गाना की एजेंसी जैसा, ये एलआईसी की एजेंसी के बाद बिजनेस अपॉर्चुनिटी 6 बेनिफिट मिलता है। पहला बेनिफिट है इंडिया की एजेंसी आपको सालाना 12 लाख कमीशन देती है, जिसका मतलब पहले महीने से तकरीबन 1 लाख रुपए कमाएंगे, राइट? पेन है आपके पास? तो 4 प्रकार की एजेंसी होते हैं एलआईसी के अंदर। पहला है नॉर्मल एजेंट, जो महीने का 17,000, सालाना 2 लाख कमाता है अप्रोक्सीमेटली। इंडिया टी एजेंट कम से कम महीने का 1 लाख रुपए, सालाना कम से कम 12 लाख कमाते हैं। इसी प्रकार CO2, PO2, SHR। ये हो गया बेनिफिट नंबर 1 इच्छा ना। दूसरा बेनिफिट इच्छा भाई, इंडिया टी एजेंसी आपको विदेश यात्रा करने का मौका देते, फॉरेन टूर एवरी ईयर। तो इंडिया टी में आप अकेले ट्रेवल करते, पीओ टी एजेंसी में स्पाउस के साथ जा सकते, यानी बीवी के साथ, फैमिली के साथ। तीसरा बेनिफिट है, इंडिया की एजेंसी आपको रिन्यूअल कमीशन देती है। रिन्यूअल कमीशन जो एक प्रकार की पेंशन है। नॉर्मली पेंशन लोगों को किसको मिलता है और कब मिलता है? तो 40 साल के नौकरी के बाद, रिटायर करने के बाद पेंशन मिलता है। यहाँ पर एलआईसी में आपको पेंशन दूसरे साल से ही मिलने लगता है। आप देखेंगे पेंशन 1 साल बाद जो मिल रहा है वो आपको 15,000, अब 2 साल खत्म हो गया तो 15,000 बन गया 30,000, 5 साल में ये बन जाता 75,000। ये आपको हर महीना काम करो या ना करो मिलने वाला पेंशन। 10 साल के बाद आपको घर बैठे बैठे 1.5 लाख मिल रहा है, 30 साल के बाद 4.5 लाख रुपए मिल रहा है। यह आपका तीसरा बेनिफिट। चौथा बेनिफिट इरशाद भाई, इंडिया टी एजेंसी आपको हेरिडेटरी कमीशन देती है, जो वंशानुगत कमीशन देती है। समझो आपने 10 साल काम किया, आपको 1.5 लाख आना है। काम करते वक्त जैसे मिलता है वो ये वाला है, उसके सिवा रिन्यूअल मिलता है। ये आपको जो जिंदगी भर मिलना है आपको तो मिलेगा ही, आपके बाद आपकी पत्नी को मिलेगा, पत्नी के बाद बच्चों को मिलेगा, बच्चों के बाद नॉमिनी को मिलेगा। ये हो गया चौथा बेनिफिट। पांचवा बेनिफिट आपको मिलता है एनडीआरटी में, आप कार खरीदने का मौका पाते हैं। एनडीआरटी के लेवल पे 5 लाख का, पीओटी के लेवल पे 30। छठा बेनिफिट एनडीआरटी एजेंसी आपको मकान देती है, एनडीआरटी के लेवल पे 25 लाख का और पीओटी के लेवल पे 1 लाख। ऐसे 6 बेनिफिट है, 1 लाख रुपए महीना, विदेश यात्रा, यूएसए जाने का मौका, रेन्यूअल कमीशन, हेरिडेटरी कमीशन, गाड़ी, मकान। 6 बेनिफिट है टोटल, 60 बेनिफिट है, प्राइमरी 6 है। इसमें से इरशाद है आपके मतलब का कौन सा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा ये बात सुनकर। तो आपको कुछ मतलब एजेंसी के बारे में ज्यादा जानकारी और लेना है, या मैं खुद बताऊं 4 बातें जो लोग पूछते हैं? 4 बातें लोग पूछते हैं कि नंबर 1, ये करने के लिए मुझे करना क्या होगा, आपका काम क्या होगा अगर ये एजेंसी ले लेते तो क्या करना होगा। अब इसको अगर देखेंगे, एजेंसी चलाते वक्त आपको 4 फेजेस आते हैं, 4 अलग अलग टाइम। हर फेज में आपका काम अलग अलग हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, पहला फेज को हम बोलते हैं शुरुआती कामयाबी संकल्प का समय, ये पहला 18 महीने जुड़ने के बाद, कल जुड़ गया तो अगला दिसंबर 2024 तक। इस टाइम के दौरान आपका काम है लाइफ स्टाइल प्रेजेंटेशन दिखाना, हर दिन 10 को और हर महीना 2। अब लाइफ स्टाइल प्रेजेंटेशन क्या है? लाइफ स्टाइल प्रेजेंटेशन, राइट? ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये दिखाना मेरा काम। आप जुड़ जाएंगे तो आपको ये दिखाना है, ये दिखाना आपका काम हो जाएगा। किसको दिखाना है? डेली 10 को दिखाने का और महीने में 200 को दिखाना। किसको दिखाना? हम सिखा देंगे। कैसा दिखाना? हम सिखा देंगे। आपको दिखाना ये काम हो जाएगा। ये फेज 1, 18 महीने कंप्लीट हो गया, फेज 2 होगा, उस वक्त आपका काम जरा बदल जाए। ये अगला 36 महीने, अगला 72 महीना फेज 3 है, उसमें आपका काम जरा और बदल जाए। उसके बाद फेज 4 आता है अगला टाइम, उस वक्त आपका काम नहीं। तो ये आपका काम होगा, ये एजेंसी में जुड़ गए। दूसरा सवाल के साथ भाई, जो लोग पूछते हैं कि
ये लाख रुपया, ये 75,000 महीने का, ये सब इतना आसान है कि मैं कर सकता हूँ क्या? एक्चुअली वो ये पूछना चाहता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले साल का ये LIC का NDRT COT POT प्रेजेंट लिस्ट आप ऐसा देख लिए थे, ये ऑल इंडिया NDRT रैंकिंग लिस्ट है, जितने लोगों ने जितना कमा उन सबका नाम, उनका मतलब सीरियल नंबर, नाम, ब्रांच, जोन, कितना प्रीमियम लाया, कितना कमीशन कमाया, ये सब के सब लिखा है। वो POT है, NDRT है, वो सब, यानी ये सब के सब अगर देख सकते, ये 60 है और यहाँ पर अगर देखते जाओ तो 61, ये सब के सब, ये सब NDRT, ये सब NDRT के पिछले साल के, ये सब भी है और ये सब भारत के अलग अलग कोने से, ये NDRT एजेंट है जो हर साल ये महीने का लाख रुपया कमा रहे हैं, उससे ज्यादा कमा रहे हैं, प्लस उनका पेंशन आ रहा है, हर साल 15,000 बढ़ रहा है, प्लस उनको गाड़ी खरीदने का मौका मिल रहा है, प्लस उनको 1 करोड़ का मौका मिल रहा है घर मकान खरीदने, प्लस हर साल USA जा रहे हैं, और प्लस खरीदे कमीशन, उनको कुछ हो गया तो फैमिली को पैसा मिलता रहेगा, ये सब 6 बेनिफिट, राइट? लगाओ। पता नहीं मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा, जरा सपने से अभी कोई कस्टमर आते हैं तो हम लोगों को उनको टाइम देना चाहिए, लोगों को उनका मेन बिजनेस उसकी पैसा निवेश वैसे पेट्रोलियम जेल वो क्या था, ग्रीन कलर का? नहीं नहीं वो वाला नहीं, ग्रीन कलर का तो ऐसा मैं आपको ये दिखा रहा कि सब 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 लास्ट ईयर में अगर आए तो 16,511 लोग जो लास्ट ईयर इंडिया के बने, इस साल ये 22,000 हो गया, हर साल ये बढ़ता है। तो ये एजेंसी है जो आपको देने के लिए इरशाद भाई हमारा LIC एजेंसी में आपको तो फिर से बता, नॉर्मली LIC आज तक नॉर्मल एजेंट बना रहे, मैं आपको LIC का दूसरा लेवल NDRT लेवल का कुछ बोलते हैं, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं, शुरुआत की प्रक्रिया क्या होता है? तो आज तक कितने पढ़े? तो मिनिमम इसका 10th या 12th पास होना चाहिए। तो आप शुरू करना चाहेंगे तो एक तो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, KYC वाला, कौन सा लगता है KYC में? पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका एजुकेशन प्रूफ, 4 फोटोग्राफ और बैंक डिटेल्स, ये लगता है। इसके बाद एक होता है IRDA पेनिंग, IRDA मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जो इंश्योरेंस का काम है सब लोग नहीं कर सकते, उसको एक लाइसेंस लगता है, वो लाइसेंस के लिए 25 घंटा ऑनलाइन ट्रेनिंग और एक एग्जाम होता है। तो ये जो है यहाँ के इंचार्ज है प्रवीण भोसले, वो उसमें एक्सपर्ट है कि आपको वो IRDA ट्रेनिंग कैसा कम्प्लीट करवाना और पास कैसा करवाना।
ये करीबन 10-12 दिन लग जाता है। तीसरा है आपको ये किताब का दिया जाएगा और इसका ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कौन से टाइम पर आ सकते हो, अलग अलग टाइम पर ट्रेनिंग दिया जाता है। ये एल आई सी है हर जगह पर, हर जगह पर एल आई सी नहीं, नाम नहीं सुने आप? सुना है, हम लोग जिस ऑफिस से आए हैं वो ये ऑफिस गोरेगांव। यहाँ से 15 मिनट लगता है। आपका नाम और नंबर आपका नंबर बताइए। 83-699 आपका भी नंबर आपके पास है, आपके फैमिली में भी, आपके दोस्त में भी, आपके सर्किल में भी, किसी को भी। ये नया एजेंसी है, कुछ ही दिनों तक मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा। हम लोग अभी अपॉर्चुनिटी को दे रहे हैं, कोई भी है। थैंक यू सो मच।